हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, प्रणाम, स्वागत है सभी का फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। सो मेरा नाम है देवराज और आज फिर आ चुके हैं इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में। तो अभी जो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, ये जो आप लोग रास्ता देख रहे हैं, ये दारू झुमरा करके एक रास्ता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक आसपास में यहाँ पे दुकान भी है जो कि पूजा का दुकान है। यहाँ पे पूजा का सामग्री वगैरह सारा चीज़ मिल जाएगा। और इसी के बगल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक मंदिर है जो कि इस मंदिर का नाम है फूल मंदिर का नाम से जाना जाता है और शंकर भगवान का नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है। तो हम थर्ड टाइम आए हैं तो उतना मुझे जानकारी नहीं है, बाकी अभी चलते हैं अंदर चलते हैं, उसके बाद फिर क्या है क्या नहीं फिर सारा चीज़ आप लोग को इस ब्लॉग में आप लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं और बताने वाले हैं। अभी देख सकते हैं कुछ इस तरह का इधर आसपास का लोकेशन इधर, बाकी मंदिर काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जूता उतार लेते हैं, देख सकते हैं। और ये रहा मंदिर का, देख सकते हैं एंट्री गेट अंदर जाने का। और बाकी अभी देख सकते हैं अभी मंदिर के अंदर आ चुका है। और बाकी इधर जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्राउंड वगैरह टाइप से देख सकते हैं आप लोग। और इसी के बगल में देख सकते हैं यहाँ पे, नमस्ते बाबा जी, बोल रहे हैं कि ये मंदिर का नाम क्या है जरा हमारे व्यूवर्स को बताइए जरा। संकट मोचन धाम पुना है। अच्छा, और ये मंदिर कहाँ पर पड़ता है? दारू थाना। दारू थाना में? अच्छा, और ये मतलब थाना ब्लॉक? अच्छा, थाना ब्लॉक में। हाँ, थाना ब्लॉक ही हो गए। अच्छा, ये जिला हजारीबाग में आता है ना। हाँ। और काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है ना, इसके बारे में हम फर्स्ट टाइम आए हैं, सुने भी है कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अच्छा, और यहाँ पे मेला वगैरह भी कल लगता है? हाँ, दुर्गा पूजा में लगता है, रामनवमी। अच्छा, दुर्गा पूजा रामनवमी मेला लगता है, बाकी महावीर जयंती में। अच्छा, महावीर जयंती में। बाकी ये रसीद वगैरह का मतलब यहाँ पे आप रसीद वगैरह करते हैं? चलिए आप लोगों को दिखाते हैं फिर आगे क्या है। और यहाँ देख सकते हैं दीवार में किस तरह से गणेश जी का यहाँ पे मूर्ति वगैरह बना हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं काफ़ी खूबसूरत इधर मूर्ति बना हुआ है। बाकी अभी चलते हैं और उधर फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं गणेश जी का बना हुआ, देख सकते हैं स्टेचू टाइप से, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। और इधर देख सकते हैं श्री राम प्रभु और बजरंग बली का भी बना हुआ है। और ये देख सकते हैं आप लोग मंदिर का बड़ा सा द्वार, आप लोग काफ़ी बड़ा द्वार इसका देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग आइएगा यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा यहाँ पे दान पेटी है जो कि आप लोग यहाँ पे आने के बाद कुछ भी अपना दान वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन का दान पेटी का भी देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है। और इधर से देख सकते हैं आप लोग जैसे ही आइएगा यहाँ पर एक बड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर घंटा लगा हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा घंटा है, इसका आवाज़ भी आप लोग को सुनाई देते हैं। और ये गेट का देख सकते हैं बैक साइड का मंदिर का लुक। इस मंदिर में आप लोगों का पेड़ पौधा काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि प्रकृति का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है। और इसी के बगल में आप लोग देख सकते हैं ये रहा मंदिर जो कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग आए दर्शन करने के लिए। और इसी के बगल में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो कि काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, यहाँ पर जो कि पानी भरा हुआ रहता है और दूर से ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आप लोग को देखने में। बाकी आप लोग एरिया देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, इधर देख सकते हैं ग्राउंड टाइप से खाली है। और अभी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग का भीड़ भी हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते रहते हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे हमेशा। देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर का काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती मंदिर यहाँ पे। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मंदिर है। और यहाँ पे ये सेकेंड मंदिर आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है श्री संकट मोचन धाम पूर्णिया, देख सकते हैं। और ये पूरा मंदिर का व्यू आप लोग देख सकते हैं और ये इसका पूरा सीढ़ी देख सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं जो कि हमारे पहले यहाँ पे जिया जी आ चुके हैं और भाई, और देख सकते हैं मेरे दोनों भाई है। कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ पे मंदिर में आके? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। बाकी मंदिर तो देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा मंदिर है का, यहाँ पे सुनते काफ़ी दूर दूर से लोग आते रहते घूमने के लिए दर्शन करने के लिए, है ना। बाकी आप लोग देख सकते हैं अभी शाम टाइम का भी, शाम का भी नज़ारा है, बाकी आप लोग व्यू देख ही सकते हैं। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं इसका खूबसूरती यहाँ पे किस तरह से इधर मंदिर का इधर देख सकते हैं डिजाइन किया गया है। हाँ हाँ दिखा रहा है, कैमरा ऊपर कर, ये देख सकते हैं आप लोग।
यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा आप लोग मंदिर का व्यू। बाकी आप लोग मंदिर में यहाँ पे घूमने के लिए आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और इतना खूबसूरत मंदिर है कि आप लोगों को घूमने के लिए यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को घूमने के लिए और देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत चीज़, हर एक चीज़ आप लोगों को रंग बिरंगा चीज़ मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। बाकी इस ब्लॉग में जितना हो पा रहा मैं आप लोगों को कवर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि एक बार इस मंदिर में आप लोग जरूर आइए और यहाँ पे आके विजिट कीजिए और यहाँ पे घूमिए और देखिए किस तरह से यहाँ पे मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया गया, कितना खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पे आके यहाँ पे दर्शन कीजिए आप लोग, और इधर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं मंदिर बन रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, जो कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बनने वाला है। और इसके नीचे यहाँ पे झील टाइप से, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। और ये सब चीज़ देखने के बाद हरियाली चारों बगल से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे प्राकृतिक से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। और देख सकते हैं यहाँ पे झील आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सिक्का डालने से यहाँ पे इच्छा पूरा होता है, तो मैं भी अपना इच्छा पूरा कर लेता हूँ। देख सकते हैं मेरे हाथ में सिक्का है, तो चलिए अब सिक्का इसमें डालते हैं। बाकी इसमें सिक्का डाल चुके हैं और बाकी जो मेरा इच्छा है वो भगवान से तो मांग ही लिए, देखते हैं आई होप कि कब तक मेरा इच्छा पूरा होता है। और आप लोग इधर देख सकते हैं यहाँ पे जो दीवार में जो कलाकारी है, जो मूर्ति टाइप से बनाया गया, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि हर दीवार में यहाँ पे इस टाइप से बनाया गया, मतलब हर जगह पे दिखाने के लिए और देखने के लिए। बाकी मंदिर इतना बड़ा है कि आप लोग घूमते घूमते थक जाइएगा, लेकिन मंदिर नहीं पूरा हो पाएगा ख़त्म। तो घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक से एक चीज़ है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे हमेशा घूमने के लिए। तो क्या नाम है भैया लोग आप लोग का? मेरा नाम अनूप कुमार है, ग्राम जिनका, पोस्ट महेशरा, प्रखंड दारू। तो यहाँ पे जैसे बहुत दूर दूर से सुनते हैं यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए फैमिली के साथ में, तो ये मंदिर काफी ज्यादा फेमस है ना? हाँ, बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा, इस मंदिर का पूरा नाम क्या बता दीजिए हमारे ऑडियंस को? शिव मंदिर है, चूरा बजरंगबली। ये आप लोग यूट्यूब पर देखिएगा, मेरा चैनल है यूट्यूब पर, समझे? क्या नाम है यूट्यूब का? मेरा चैनल का नाम है देवराज घूमिया, समझे? घूमिया, हाँ, सर्च कीजिएगा ताजा का। वही सोचे कि इतना बढ़िया मंदिर है क्यों ना बनाया जाए, एक बार दिखाया जाए ऑडियंस को भी, है कि नहीं? ऐसा ऐसा चीज़ तो ढूंढते रहते हैं आदमी देखने के लिए कहाँ, और खास करके हमारे झारखंड में ऐसा ऐसा चीज़ काफ़ी ज़्यादा है गाइस, जो कि आप लोग यहाँ पे हर चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो और भी ऐसा चीज़ आप लोग को चलिए दिखाते आगे में, यहाँ पर देख सकते हैं, इधर शायद यज्ञ वगैरह होता होगा, देख सकते हैं। बाकी पूजा वगैरह भी सब जगह किया जाता है। बाकी दीवार में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारा भगवान का यहाँ पर बना हुआ है, इधर देख सकते हैं।